इस वर्कशॉप में मैंने बहुत ज्यादा सीखा, बहुत ज्यादा। जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन्हें बेस्टली यूटिलाइज कैसे किया जाए, और आज तो हम फिजिक्स को बहुत सिंप्लीफाइड वे में सीख कर जा रहे हैं। बकायदा एक हमें किट मिला है, बड़ा ही इजी सा किट जो हर बच्चा भी बना सकता है, और लाइफ के सारे एक्सपेरिमेंट्स, फिनोमेना, लॉज, एवरीथिंग फ्रॉम ए टू जेड ऑफ लाइफ दैट कैन बी डेमोंस्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस किट। मुझे लगता है इससे ज़्यादा अच्छी वर्कशॉप और क्या हो सकती है। हर चीज़ कवर हो रही है, हर टॉपिक कवर हो रहा है। यहाँ से जो 9-10 का फ्रॉम 6 to 10 एक जगह आकर सब कुछ पा जाना, वाकई में ये इसी में पॉसिबल हुआ है। सेमिनार्स को सर्टिफिकेट किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द पर्टिकुलर फैकल्टी या डिपेंडिंग अपॉन द मिडिल क्लासेस, मिडिल स्कूल। 6 to 8 तक के टॉपिक्स होंगे या 9-10 होगा, ये अपने आप में कंप्लीट है। इसमें होलिस्टिक व्यू भी है, इंटोटैलिटी सब कुछ है, और रिडक्शनिस्ट भी है। दोनों चीज़ें आ रही हैं, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकती। मैनेजमेंट की स्टूडेंट के तौर पर मैंने ये सीख के आई थी, नथिंग इज 100%, नथिंग इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज ऑप्टिमम, पर शायद वो कहते हैं 100 में से 101 नंबर, और इस परसेंटेज में मैक्सिमम में 100% मैं इसे वर्कशॉप को दूंगी। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू द डिपार्टमेंट एज वेल एज टू दिस पर्टिकुलर टीम। आई लर्न